राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपने जन्मदिन पर मां चंडिका मंदिर में पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। वहीं जल परिसर में उनके समर्थक सहित बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। दुर्ग ही नहीं, प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर नगर के सुप्रसिद्ध माता चंडिका मंदिर में पहुंचकर माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर मां चंडिका से जन सेवा में निरंतर सक्रिय रहने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिर पहुंचने पर चंडी शीतला मंडल व गंजपारा सदर मंडल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के पार्षदों ने सरोज पांडे की गाजे बाजे व फटाकों से जोरदार स्वागत किया एवं मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। इसके साथ ही उनके जल परिसर निवास पर जन्मदिन की बधाइयां व शुभकामनाएं देने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ही समर्थकों का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में अपनी अलग पहचान रखने में कामयाब रही राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे राजनीति के कैरियर में अपनी अलग जगह बनाते हुए एक ही समय में महापौर, विधायक व सांसद बनने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी, जिसके चलते दुर्ग ही नहीं प्रदेश स्तर पर अपने समर्थकों की चहेती बनी हुई है। इस अवसर पर जल परिसर में हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाने का आयोजन किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जब दुर्ग की बात चलती है तो दुर्ग की राजनीति में बिना सरोज दीदी के नाम के जो है वो पूर्ण नहीं होता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जब बात चलती है तो सरोज दीदी के नाम के बिना जो है वो परिपूर्ण नहीं होता है। आज जैसा कि हमारे परम सम्मानी और परम श्रद्धे हमारी मार्गदर्शक सरोज दीदी का जन्मदिन है 22 जून को, तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है वो आ रहे हैं और हमारे पूरे सरोज दीदी के संसदीय क्षेत्र जो उनका रहा है पहले, उससे दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जत्ते के जत्ते यहाँ पर राइस मिलर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स के एसोसिएशन और अभी भारतीय मजदूर संघ के एसोसिएशन और विभिन्न समाज के लोग, सब लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि कितने उत्साह से जो है हम लोग यहाँ पर सरोज दीदी का जन्मदिन को मना रहे हैं। तो हम सभी ये कामना करते हैं कि सरोज दीदी जो हैं वो भारतीय राजनीति के वहाँ आकाश में जो हैं वो एक जगमगाते सितारे के रूप में सदैव विराजमान रहें, और ये जन्मदिन जो है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, कार्यकर्ताओं की तरफ से उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। जिनको महिला नेत्री छत्तीसगढ़ की दुलोरिन बेटी और एक छत्तीसगढ़ बेटी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई, एक महापौर से लेकर के सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और साथ में भी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसकी सह प्रभारी रही, ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व सरोज पांडे जी का जन्मदिन 22 जून को विगत 15 सालों से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश आया, गृहमंत्री अमित शाह जी का शुभकामना संदेश आया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का शुभकामना संदेश आया और जगत प्रसाद नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका राष्ट्रीय नेतृत्व ने शुभकामना दी। प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, धरमलाल कौशिक जी और अनेक प्रदेश के नेताओं का शुभकामनाएं संदेश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के जन्म दिवस पर उनके समर्थकों ने जनहित से जुड़े कार्यों की शुरुआत भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।